जय श्री राम साथियों। साथियों आज की जो वीडियो है बहुत ही फनी फुल है, बस आप वीडियो को देखिए लास्ट तक, बहुत मजे आएंगे। जय श्री राम साथियों आ गई आपकी मन की फन वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी फनी फुल, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल ऑफ यू प्लीज एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। तो साथियों रोज की तरह हम आज फिर से आ जाते हैं मंकी सेवा में। तो जैसे ही आज शुरू करते हैं भाई मंकीज को खिलाना, तो देखते ही देखते पेड़ के रास्ते से मंकी जो हैं बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं, जितना कि मैंने गैस भी नहीं करा था। और आप सब देख सकते हैं, मैं आप सभी को लाइव दिखा रहा हूँ कि कितने बंदर यहाँ पर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेफ्ट में जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, उधर पेड़ के रास्ते से पेड़ से ही चढ़ के मेरी छत पे आ जाते हैं। और सामने की छत पे भी पेड़ की डाल गई हुई है, तो पेड़ काफ़ी बड़ा है और वहाँ सामने की छत से भी मेरी छत पे आ जाते हैं। तो बंदरों के लिए साथियों रास्ते कहीं भी बंद नहीं होते हैं, कहीं भी आप उनके लिए रास्ते मतलब नहीं बंद कर सकते हैं। तो वो जो हैं अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ज़रूर बना लेते हैं। और ये यहाँ पे जितने भी मंकीज हैं वो मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट बैक जहाँ से भी उन्हें रास्ताएँ दिखती हैं तो वो सीधा चले जाते हैं। और साथियों मैं अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि ये हमारी वीडियो आप सभी को एक मैसेज दे सके कि हाँ इन बेजवानों की हेल्प करनी है। और यहाँ पर इतने मंकीज थे कि हम आपको क्या ही बताएं। ये मतलब जितने छोटे वाले थे वो बड़े वाले जितने भी बंदर थे वो छोटे वालों को अपने पास में नहीं रुकने दे रहे थे। तो इसलिए हम हर रोज़ यही करते हैं, तभी आज भी यही करा और आगे भी यही करते रहेंगे कि छोटे छोटे बंदर थे उनको सबको साइड में डाल देते हैं और जो बड़े बंदर हैं उनको साइड में डाल देते हैं, ताकि सभी को आराम से मिल सके और सभी बंदर आराम से खा सके। तो साथियों हम जो है हर रोज़ आप सभी के लिए एक एंटरटेनमेंट वीडियो लेके आते रहते हैं, ताकि आप सब उस वीडियो को देखकर एंटरटेन हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आप सबके लिए हर रोज़ एक एंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूँगा। और अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इससे फ़ायदे कितने हैं। अब देखिए मेरा भी टाइम पास हो जाता है, मैं एक मतलब एक अच्छा कार्य भी कर लेता हूँ, आप सब एंटरटेन भी हो जाते हैं और इन बंदरों की सेवा भी हो जाती है। तो साथियों बताइए अगर इस छोटे से एक मतलब छोटे से कार्य से इतने कार्य हो रहे हैं तो क्यों ना करना चाहिए यार ये कार्य। तो आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि साथियों आप सब भी इसकी पहल करें, ताकि इन बेजुबानों को आपके द्वारा भोजन मिल सके और लोगों को आप इंटरटेन भी कर सकें। और आपकी जो वीडियो होगी वो एक मैसेज देगी लोगों के लिए भी, कि ताकि वो लोग भी ऐसे ही बेजुबानों की मदद कर सकें। और साथियों दूसरी चीज़ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं आप सब उनकी भी मदद करें। मैं अगर आप हमारा अभी चैनल खोल के देखेंगे तो इसमें आपको कई ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जो मैं पॉवर्टी से जो बिलोंग करने वाले मुझे मिल जाते हैं, जैसे लाइक वेगर ETC मतलब जो भी है मिल जाते हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ, और वीडियो तो मैं सिर्फ इस पर्पज से बनाता हूँ ताकि आप सभी को एक मैसेज दे सकूँ कि हाँ यार इन सबकी हेल्प करनी है। और मैं इनसाइड से ही साथियों ऐसा हूँ कि मुझे मदद करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मतलब अगर मेरी पॉकेट में 10 रुपये हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि सामने वाले को अगर ज़रूरत है तो मैं उसे दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई होप कि आप सबको भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि अगर सामने वाले लेकिन लगना चाहिए आपको लगना चाहिए कि हाँ यार वाकई इसे हेल्प की ज़रूरत है, और आप फुली सेटिस्फाइड हो जाएँ कि हाँ इसको ज़रूरत है, तो आपको ऐसा कर देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सामने वाले की हेल्प हो जाएगी, उसी हेल्प के अकॉर्डिंग आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है और मैं इसी अपनी सोच पर चलता हूँ और चलना भी पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा डिसीजंस जो भी हैं वो सब अपने आप ही लेना पसंद करता हूँ। यहाँ पर ये छोटे बंदर थे और ये जो है बड़ा बंदर आज जैसे ही आता है तो ये छोटे बंदर जो हैं इधर उधर बेचारे भागने लगते हैं, लेकिन बड़ा बंदर जो है चला जाता है पेड़ पर
अपनी मस्तियों में अलग लेवल से, और ये रह जाते हैं छोटे वाले बंदर। साथियों आज की डेट में हमने छोटे वाले बंदर के साथ इतने मज़े लिए जैसे कल की वीडियो में मज़े लिए थे, उसी तरीके से आज भी मज़े लिए हैं। तो ये बंदर जो है चला जाता है इस पेड़ पर, और उसके बाद में मैं इसे थोड़ा टीस भी करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये जो है नहीं रुकता है, ये चला जाता है पेड़ के ऊपर उधर साइड में। अब उधर साइड से ही साथियों ये चले जाएंगे सामने की छत पे। अब ये एक बचा हुआ था यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा टीस करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये जो है वही टीस नहीं होता है, पता नहीं क्यों ये, इसे ऐसा लग रहा होगा कि भाई जो खिलाता है उस पर टीस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी इसकी सोच होगी यार, हम कोई गॉड थोड़ी है जो इनके अंदर की बात जानेंगे। अब ये फाइनली ये भी जो है चला जाता है पेड़ पे जाने के बाद ये यहीं से, मतलब पेड़ इतना बड़ा है साथियों कि मेरी छत पे आई हुई ये डाले हैं, और उधर की भी छत पे गई हुई डाल हैं, और बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा 50 मीटर, तो 50 मीटर की चौड़ाई से ज़्यादा होगा ये पेड़। तो आप सब देख सकते हैं सामने की छत पे, वहाँ पे जितने भी मंकीज हैं वो सब इस छत से उस छत पर सब चले जाते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा टीस करने में शुरू हो जाते हैं इस बंदर के साथ ऐसे मज़े लेते हैं। ये देखिए आप, ये मुझ पर बार बार अटैक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हम जो है भाई मज़े में पड़े हुए थे। और अगर साथियों यहाँ पे मैं डर जाता या आप भी डर जाते, अगर आप यहाँ पे होते, अगर आप डर जाते तो ये जो बंदर था ये आप पर अटैक पूरी तरीके से कर सकता था। आपको अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस कभी भी आती है तो आपको कभी भी डरना नहीं है, इनका डट कर मुकाबला करना है, बस इनके सामने आपको डर के भागना नहीं है, ये मतलब ऐसा एक्सप्रेशन करना है कि इन बंदरों को लगे कि आप डर रहे हैं, ताकि ये जो हैं आपको डराने में पीछे ना हटें। और अगर ये आपको समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, तो ये डराना आपको बंद करके पीछे खुद ही भाग जाएंगे। और अब ये जो बंदर है ये जो है जाना चाहता है उस साइड में, तो निकल जाता है जय श्री राम। तो साथियों आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ताकि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और बाय बाय।